श्री संतों की वाणी के अनुसार भारत में अनेक महान संत सत्पुरुषों ने व महान ऋषि मुनियों ने हर बार जन्म लेकर इस भारत भूमि को पवित्र किया है और इसी वजह से भगवान इस पावन भूमि में अवतरित होना पसंद करते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण हेतु एवं दुष्टों को नष्ट करने के लिए ही अवतार धारण के लिए भारत भूमि को ही चुना है। बार बार इस भूमि पर जन्म लेने का आश्वासन स्वयं श्री परमेश्वर ने ही दिया है। सुंदर नक्शा काम से परिपूर्ण यह मंदिर का कलश दिखाई देता है। उनके मंदिर के आसपास का परिसर सदैव ऐसा ही सजा रहता है। यहाँ मुख्य मंदिर यानी विट्ठल जी के मंदिर के साथ ही दूसरे मंदिर यानी रुक्माई माता मंदिर का कलश भी नजर आता है। यहाँ की एक खासियत है कि विट्ठल जी और रुक्मिणी जी के दो अलग अलग मंदिर हैं। साधु संतों के वास्तव्य से पावन हुआ यह श्री क्षेत्र पंढरी नगरी है। इस पवित्र नगरी में श्रद्धालुओं को चंद्रभागा नदी का दर्शन भी प्राप्त होता है। अलग अलग कलाकृतियों के साथ सजे हुए छोटे छोटे मंदिर के कलश भी यहाँ नजर आते हैं। चंद्रभागा नदी के पवित्र स्पर्श से दर्शनार्थी प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शनार्थी श्री विट्ठल रुक्मिणी जी के दर्शन के लिए भागते दौड़ते आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। मंदिर के भीतर सभा मंडप में चांदी से सजा हुआ गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। ये है विशाल भव्य पाषाण रूपी स्तंभ। ऐसे 16 स्तंभ के आधार पर यह विशाल सभा मंडप टिका है। इन पर आकर्षक नक्शा काम किया हुआ नजर आता है। मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी से बना हुआ है, जो आकर्षक रूप से सजा हुआ दिखाई देता है। सभी भाविक दर्शनार्थी बड़ी श्रद्धा से लाखों की संख्या में यहां आकर दर्शन करते दिखाई देते हैं। इस मंदिर का ये चांदी से सजा हुआ मुख्य प्रवेश द्वार है। पांडुरंग जी की आराधना करते हुए दर्शनार्थी यहाँ दिखाई देते हैं। व्याकुल दर्शनार्थी दर्शन करते ही तृप्त हो जाते हैं। घंटों कतार में लगे रहने के बाद ये बेचैन दर्शनार्थी इंतजार की घड़ी खत्म होने की राह देखते हुए नजर आते हैं। भगवे रंग का साधु संतों जैसा पोशाक पहने हुए, चांदी से सजा हुआ भव्य मुकुट, ध्यानस्थ मुद्रा में श्री पांडुरंग जी का दर्शन होते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनके चरण स्पर्श होते ही श्रद्धालुओं में अनोखी उत्तेजना, साहस और जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती नजर आती है। यहाँ पहुँचते ही उनकी आंखों में अनोखी चमक दिखाई पड़ती है। इसी समय एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। मंदिर के पहरेदार गहरी नींद में सो गए तथा स्वयं श्री विट्ठल संत भानुदास के पास आ गए। संत भानुदास ने उन्हें पंढरपुर वापस चलने का आग्रह किया। भगवान श्री विट्ठल राजा की भक्ति से काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए भगवान राजा को निराश नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर पंढरपुर के निवासियों को आश्वस्त करने हेतु उन्होंने संत भानुदास को रत्नों से जड़ी अपनी माला सौंप दी। अगले दिन पूजा पाठ के वक्त श्री विट्ठल जी के गले में रत्नमाला न पाकर राजा क्रोधित हो उठा। अपने दूतों को संत भानुदास की तलाशी के लिए भेजा गया। संत भानुदास को गिरफ्तार कर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सूली पर पेड़ की शाखाएं उत्पन्न हुई। इस चमत्कार को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। संत भानुदास को गले लगाते हुए तथा उनसे क्षमा मांगते हुए उन्होंने वचन दिया कि वे विट्ठल जी की प्रतिमा स आदर स सम्मान के साथ पंढरी लौटा देंगे। संत भानुदास ने गाजे बाजे के साथ श्री विट्ठल की प्रतिमा को पुनः पंढरी में स्थापित किया। पावन पंढरी वैकुंठ नगरी, पावन पंढरी वैकुंठ नगरी, यह गीत मन ही मन गुनगुनाते हुए मृदंग की ताल पर कान पकड़कर भूल चूक माफ कर दीजिए, भूल चूक माफ कर दीजिए कहते हुए दर्शनार्थी कूद कूद कर मनोगत व्यक्त करते हैं। श्रद्धालु ध्यान लगाकर मग्न होकर श्री विट्ठल जी के सामने साष्टांग नमस्कार करते हुए नजर आती हैं। महिलाएं फुगड़ी खेलते हुई खुशियां मनाती हैं। चांदी से बना हुआ यह विशाल स्तंभ को गले लगाकर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सभा मंडप की छत पर फूलों जैसा षटकोनी आकार का चांदी से कोरिव नक्शाकाम से भरपूर सजा हुआ आकर्षक छत नजर आता है। सुंदर सजी हुई आदर्श रुक्माई माता की प्रतिमा, इनका दर्शन लेने आए हुए सभी श्रद्धालु मग्न होकर उनकी आराधना करते हुए नजर आते हैं। इनका भी चांदी का भव्य प्रवेश द्वार आकर्षक रूप से सजा हुआ दिखाई देता है। सुंदर नक्शाकाम किया हुआ भव्य चांदी का प्रवेश द्वार देखते ही मन संतुष्ट हो उठता है। घंटों से कतार में लगी हुई महिलाएं इनके दर्शन से समाधान पा लेती है। ये रुक्मिणी माता जी का दिव्य रूप देखते ही श्रद्धालुओं के मन में समाई हुई आशाएं पूरी हो जाती है। ये है श्री संत कान्होपात्रा का तर्टी वृक्ष। ये है श्रीमती सत्यभामा माता की प्रतिमा। और ये राधिका जी की प्रतिमा। और जिनके आने से सुप्रभात होता है, ये वही सूर्यनारायण जी का मंदिर है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए बगल में ही दीप स्तंभ नजर आता है। ये महालक्ष्मी माता मंदिर है। और ये संत प्रहलाद महाराज की समाधि है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर पांडुरंग जी स्वयं प्रहलाद महाराज से बात किया करते थे। श्री क्षेत्र पंढरपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर बसा हुआ है। मंदिर में नन्हे श्री गोपाल कृष्ण की प्रतिमा आकर्षक रूप से सजाई हुई है, मानो जैसे पांडुरंग ही इस स्थान पर बसे हुए हों। आषाढ़ी कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ गोपाल प्रसाद का आयोजन होता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस आयोजन में उपस्थित रहते हैं। यहाँ श्री गोपाल कृष्ण की चांदी से सजाई हुई प्रतिमा दिखाई देती है। जनाबाई का संसार सजा हुआ दिखाई देता है। मिट्टी का चूल्हा एवं पत्थर का पाटा उनके रसोई घर की यादें ताजा कर देती है।